कंट्रोल क्यू दाबने से क्या होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल क्यू दाबने से क्या होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल क्यू दाबने से क्या होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कोई भी अगर पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग अगर की हो ना तो वो रिमूव हो जाएगा क्या प्रेस करने से कंट्रोल क्यूब यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स स्पेलिंग और ग्रामर एरर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं क्या दाब करके एफ़ सेवन दाब करके कंट्रोल आर से क्या होता है राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ जो सेलेक्टेड पैराग्राफ है वो सेलेक्ट करके पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल आर दाबेंगे तो वो सेंटर सॉरी राइट अलाइन हो जाएगा हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम कोई करंट कॉलम है उसको कैसे ब्रेक कर सकते कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दाब करके करंट कॉलम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दाब करके हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम करंट कॉलम को ब्रेक करके कैसे करंट uh, कॉलम को ब्रेक कर करंट uh, कॉलम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम तो जो विड्थ ऑफ द कॉलम है उसको ऑटो फिट अगर करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम जो कॉलम का राइट बॉर्डर है वहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए वो कॉलम ऑटो यह क्या होता है ना ऑटो फिट हो जाएगा उसका विड्थ स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए क्या दामना पड़ता है F5 फाइव कंट्रोल क्यू से क्या होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग F7 सेवन कंट्रोल आर से क्या होता है राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ करेंट कॉलम को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर विड्थ ऑफ द कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5। अगर एंटायर कॉलम को हाईलाइट करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर एंटायर कॉलम को हाईलाइट करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग ऑन और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वॉन्ट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट कौन सा फॉन्ट अंडर द सेव टैब जैसे कोई भी अगर डिस्प्ले या फिर कोई प्रिंट करना पड़ता है एक ही डॉक्यूमेंट का दूसरे कंप्यूटर में और आप चाहते हो कि वो जिसको आप भेजे हो वो छेड़छाड़ ना कर सके तो कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करोगे वहाँ पे एम्बेड फॉन्ट सेट करोगे ताकि उसमें कोई भी चीज़ छेड़छाड़ ना कर पाए ठीक है सो इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वॉन्ट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द एम्बेड फॉन्ट्स अंडर द सेव टैब सेव टैब में जाकर के एम्बेड फॉन्ट्स पर सेलेक्ट कर लो फिर छेड़छाड़ नहीं हो पाएगा उस डॉक्यूमेंट पर विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिप बोर्ड एज टेक्सट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग कौन सा फ़ीचर आपको हेल्प करता है कि आप इंसर्ट कर सको कंटेंट्स ऑफ द क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड के कंटेंट्स को आप इंसर्ट कर सको एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग बिना किसी फॉर्मेटिंग के तो उसका कौन सा फीचर होगा पेस्ट स्पेशल विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिप बोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग पेस्ट स्पेशल टू ओपन द न्यू डेटाबेस कंट्रोल एन रिकैप करते हैं कंट्रोल क्यू से क्या होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग एफ सेवन कंट्रोल आर से क्या होता है राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम टू स्टार्ट स्लाइड शो एफ फाइव प्रेस करना है हाईलाइट करना है अगर एंटायर कॉलम को तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड इफ यू विल बी एबल टू यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द एम्बेड फॉन्ड्स अंडर द सेव टैब विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिप बोर्ड एज टेक्स विदाउट एनी फॉर्मेटिंग पेस्ट स्पेशल एंड टू ओपन द न्यू डेटा बेस कंट्रोल एन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तो